हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग फेस पैक फॉर विंटर्स। अगर बात करूँ विंटर्स की, तो विंटर्स में हमारी जो स्किन होती है वो सुपर ड्राई फील करती है, एंड साथ ही साथ में हमारे जो स्किन के सेल्स होते हैं उसमें ड्राई पैचेस आप देखेंगे, या जो सेल्स होती है उसमें बहुत ही ड्राइनेस नज़र आती है। सो ये डैमेज हो जाती है हमारी स्किन विंटर्स में। साथ ही साथ में विंटर्स में मोस्टली क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है वो दो या तीन शेड गाइस डल नज़र आती है, जिस वजह से हमारी स्किन का जो ग्लो होता है वो ख़त्म सा हो जाता है, एंड हमें लगता है क्या हो गया, हमारी स्किन इतनी ब्लैक क्यों लग रही है, एंड हमारी स्किन में जो पिंपल्स होते हैं उसके निशान भी स्टक रहते हैं एंड वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। आई नो। सो आज के इस वीडियो में मैं जो फेस पैक आप लोगों से शेयर करूंगी वो आपको इन प्रॉब्लम से दूर लेके जाएगा एंड आपको एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन देगा। साथ ही साथ में विंटर्स में जो हमारी स्किन बहुत ड्राई फील करती है, खिंची खिंची सी लगती है, जिसकी वजह से हमारी जो एजिंग लाइंस होती है वो विजिबल होती है, उसको भी ये क्योर करने में हेल्प करेगा। सो ये जो फेस पैक है गाइस, ये 100% नेचुरल है एंड आपकी स्किन के लिए सेफ है। एंड विंटर्स में अगर देखें तो कुछ ऐसा आप लगाइए नेचुरल जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहे, बेनिफिट्स उसका आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मिले, जिससे आपकी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग नज़र आए। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं ये कौन सा पैक है एंड किस तरीके से आपको इसे लगाना है एंड बनाना है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ प्रीथीज बायोटिक्स एक्सप्रेस योर सेल्फ का रोज पेटल्स पाउडर। यह आपको रिसीव होता है इस तरीके से 100 ग्राम ऑफ पैकेजिंग में, जिसमें आपको टब पैकेजिंग रिसीव होती है, जो कि यूज़ करना इजी है। ये एक प्रीमियम क्वालिटी ब्रांड है, 100% वेगन है, जिसकी प्राइस है 250 रुपीज़, एंड ये है फ्रॉम केरला नेचुरल्स। जो पाउडर है गाइस वो प्रीमियम क्वालिटी पाउडर है एंड बहुत ही फ्रेश है, नेचुरल है। फेस पैक बनाने के लिए आपको ये लेना है एक क्लीन बाउल एंड लेना है रॉ मिल्क, कच्चा दूध। तो फर्स्ट आपको लेना है 2 टेबलस्पून रोज पेटल पाउडर का। आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें मिलाना है रॉ मिल्क। सो आप कच्चा दूध ही यूज़ कीजिए, क्योंकि विंटर्स में जो रॉ मिल्क होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा क्लिंजर की तरह काम करता है। जो पैक है गाइस उसके लिए आप क्वांटिटी अच्छे से यूज़ कीजिए एंड देन आपको मिक्स करना है। रॉ मिल्क आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मिलाते रहिए एंड पैक हमारा रेडी है। कलर आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट रोज पेटल जो फेस पैक होता है उस तरीके से आपको इसका कलर भी देखने को मिलेगा। सो मेरा फेस अभी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, फेस वॉश कर लीजिए एंड देन आपको ये फेस पैक अप्लाई करना है क्लीन फेस पे। देन आपको अपवर्ड डायरेक्शन में इस फेस पैक को लगाना स्टार्ट करना है। सो अगर ये जो बात करूँ इस फेस पैक की, इसमें मैंने यूज़ किया है रोज़ पेटल पाउडर। रोज़ पेटल्स हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एक नेचुरल क्लिंजर की तरह काम करता है, हमारी स्किन में जो टॉप डेड लेयर होती है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ में हमारी जो स्किन होती है उसको ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। स्किन में जो दाग धब्बे हैं या पिगमेंटेशन है उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। अगर आपके फेस में एजिंग लाइन्स आ गई है तो उसको भी ये स्लो करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में जो रोज पेटल्स होते हैं गाइस, वो हमारी स्किन को एक पिंकिश ग्लो देने में भी हेल्प करते हैं। इसमें नेक्स्ट मैंने यूज किया है रॉ मिल्क। रॉ मिल्क हमारी स्किन को एक नेचुरल एक्सफोलिएशन की तरह वर्क करता है, साथ ही साथ में एक नेचुरल क्लिंजर की तरह वर्क करता है, एंड इसी के साथ में आपकी जो स्किन होती है उसको एक मॉइस्चराइजिंग लेवल देता है। इस फेस पैक को आपको 15 to 20 मिनट्स तक अपने फेस पे रखना है। मैंने इसे 20 मिनट तक रखा है एंड देन आप देख सकते हैं फेस पैक ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे वॉश कर लूँ। आफ्टर वॉश आप खुद देख सकते हैं रिजल्ट, मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग नज़र आ रही है। साथ ही साथ में अगर आप इस फेस पैक को रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन का जो ग्लो है वो मेंटेन रहेगा एंड आपकी स्किन टोन को भी इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। आप लोगों ने देख लिया गाइस किस तरीके से आपको पैक प्रिपेयर करना है एंड साथ ही साथ में किस तरीके से एप्लीकेशन में लाना है। बहुत ही ईजी पैक है एंड जो रोज पैटर्न्स होते हैं गाइस वो बहुत ही अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए। अगर मैं बात करूँ विंटर्स की, तो विंटर्स में जो हमारा निखार खत्म हो जाता है, डल हो जाती है स्किन, रोज पैटल्स हमारी स्किन के उसी ग्लो को वापस लेके आता है, साथ ही साथ में हमारी जो स्किन होती है उसके सेल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। डेफिनेटली इस फेस पैक को जरूर ट्राई कीजिए अपने घर पे। सो मैंने यहाँ पे यूज किया है प्रीथीज बायोटिक का रोज पैटल पाउडर। आप ये जरूर से ट्राई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके इसके चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर आप परचेज कर रहे हैं एंड यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वो नेचुरल है एंड साथ ही साथ में आपकी स्किन के लिए सेफ है।
सो ये 100% नेचुरल है जो आपकी स्किन के लिए सेफ है, क्योंकि जो रोज़ पैटर्न्स होते हैं उन्हीं को क्रश करके इसको बनाया गया है। एंड जब आप इसे खुद स्मेल करेंगे ना तो आप फील करेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको रोजी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस मिलती है। एंड जैसे ही आप इसमें कोई लिक्विड मिक्स करते हैं ना तो इसकी जो अरोमा होती है वो और ज़्यादा हो जाती है। सो मुझे अमेजिंग लगी एंड इसका जो इफेक्ट है गाइस आप इसको फील कर पाएंगे एंड नोट भी कर पाएंगे। सो या वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड या शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।